से मनाते हैं। तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपने घरों को, गलियों को और मस्जिदों को सजाते हैं। इस महीने में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और हम उनकी याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ से बैज, झंडियाँ वगैरह और बड़े बड़े झंडों का जाकर अपने घरों को सजाते थे। और अब खबर शामिल करते हैं पाक पतन से, जहां पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवर फरीद से। जी अनवर, आगाह कीजिएगा। बाया मुसफ़ा की सदाएँ जो है वो गूंज रही हैं। सोना आया तो सज के निकलियाँ थे बाजार, बच्चे बड़े सभी जवान जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों में मसरूफ़ और बदल दिखाई दे रहे हैं। कोई यहाँ पर झंडियाँ खरीद रहा है तो कोई बैजेस खरीद रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या खरीदने के लिए आए हैं और जश्न ईद मिलादुन्नबी को किस तरह से मनाते हैं। ठीक है, लैटर बारी खरीदने आए हैं, उसके अलावा वगैरह खरीदेंगे, सियामत का सामान भी खरीदेंगे, क्योंकि ये रबी अव्वल माशाल्लाह बहुत ही मुबारक महीना है और हमें अकीदत और एहतराम के साथ साथ हमें सबका खिलाफ भी करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आपने बात सुनी कि वो नलाने पाक खरीदने के लिए आए हैं, उनकी तो जो सजावटी अच्छी हैं वो भी खरीदने के लिए आए हैं। उनका कहना यही है कि रबी अव्वल का जो बाबरकत महीना है, बड़ी रहमतों और मुबारकों वाला महीना है। इस महीने में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आलम को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाना चाहिए।